अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 18 नवंबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की PNP लेटेस्ट अपडेट को। आपको दोस्तों बताते हैं 25 नवंबर गणित परीक्षा की नई तारीख है। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है और एक अपडेट और आपके सामने रखेंगे। क्या दोस्तों फिर से आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, क्या फिर से परीक्षा रद्द होगी? नकल माफियाओं की वजह से बच्चे परेशान। तो दोस्तों यहाँ पर मेन सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर फिर से आपका पेपर एक बार आउट हो जाता है या लीक हो जाएगा तो क्या फिर से आपका पेपर कैंसिल हो सकता है? उस अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखिए, गणित परीक्षा की तैयारी में जुटे 2.5 लाख छात्र। जी हाँ दोस्तों, गणित सेकंड सेमेस्टर में एक साथ 2, 4, 5, 1000, 20000 बच्चे नहीं है, 2.5 लाख बच्चे हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है। तो 25 नवंबर को दोस्तों एक साथ 2.5 लाख बच्चे पेपर में बैठने वाले हैं। DLED प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2020 की अपडेट आपके सामने रखेंगे कि कब तक दोस्तों आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। DLED 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को भी सामने रखेंगे। और देखिए, एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं दोस्तों कि कल DLED छात्रों के लिए एक बड़ा दिन है। सरकार वर्सेस कमजोर छात्र का पूरा मैटर कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे मामला तो आपको बता दें, कट ऑफ मुद्दा है कि दोस्तों कट ऑफ कितनी होनी चाहिए उसको है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमजोर छात्रों की बात हम क्यों कह रहे हैं उसको भी हम आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है ना, डिफाइन किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती कल लगभग 10:45 सुबह ऑर्डर सुनाया जाएगा। देखें केस का विवरण। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कल DLED छात्रों के एक सच में बड़ा दिन है, क्योंकि कल 69,000 शिक्षक भर्ती का मतलब फैसला आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस फैसले से आपकी भी मतलब आने वाले समय में भर्तियां डिपेंड्स करेंगी। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, आगे दोस्तों मामला कभी कोर्ट में और जाता है, अगर सेम केस हो जाता है तो मतलब उसी जजमेंट के आधार पर मामला फाइनल हो जाता है। तो दोस्तों अगर कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा आता है कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ होगी वो 260 और 265 हो गई, तो इसका मतलब हम आपको बताना चाहेंगे इसका मतलब क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2018 में सुपर टेट या 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जब आवेदन किया गया था, तो दोस्तों उस विज्ञापन में, प्रेस विज्ञप्ति में मतलब ये नहीं बताया गया था कि उस समय दोस्तों जो पेपर होगा उसकी पासिंग मार्क नंबर कितने होंगे, ठीक है, पासिंग मार्क नंबर को दोस्तों डिफाइन नहीं किया गया था। पेपर वेपर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने से पहले दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही पेपर होता है उसके जस्ट एक दिन के बाद सरकार ने दोस्तों 69,000 भर्ती में जो पासिंग मार्क को 60 और 65% कर देती है। आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा जजमेंट आता है कि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 60 और 65% होगी, तो इसका मतलब दोस्तों ये होने वाला है कि आने वाले टाइम में सरकार जब भी दोस्तों मतलब पहले आपका पेपर करा लेगी, उसके बाद दोस्तों वो समझ जाएंगे कि कितने बच्चे पास हो रहे फेल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से नई पासिंग मार्क को दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये, जैसे आज के डेट में आप DLED का पेपर देते हैं, ठीक है, आपको पता ना कि जब आप DLED का गणित का पेपर देंगे 25 नंबर का, तो उसमें से पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। अगर दोस्तों आप 50 नंबर का जैसे सामाजिक अध्ययन का पेपर देते तो आपको पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए। लेकिन दोस्तों इस जजमेंट का मतलब ये हो जाएगा, आने वाले टाइम में दोस्तों कोई नई भर्तियां निकलेंगी, जैसे सुपर टेट हो गया, यूपी टेट या कुछ भी, उसमें दोस्तों ये हो जाएगा कि सरकार अगर चाह जाए कि नहीं हमें पासिंग मार्क चेंज करना है, मतलब दोस्तों जैसे DLED में 25 में से अगर 18 नंबर पासिंग मार्क करना चाहे, 20 नंबर करना चाहे, तो ये कर पाएंगे, कोई दोस्त इनको रोक और टोक नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये पता क्या दिखाते हैं आगे, सरकार दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पक्ष हम कह सकते हैं दोस्तों, होता है ना कि लोगों को भ्रम पैदा कर दिया, लोग मतलब होता है ना जो दिखता है वही बिकता है, मतलब दोस्तों कहने का ये हो जाता है कि अगर कोई बच्चा 150 में से 100 नंबर पाएगा तो उसको कहेंगे ये बच्चा योग्य है, ठीक है, अगर दोस्तों कोई बच्चा 150 में से 96 नंबर पाएगा उसको बोलेंगे अयोग्य। बात हो रही दोस्तों जनरल कैटेगरी की, सुपर टेट में दोस्तों जनरल कैटेगरी में आपको पास होने के लिए 100 में से 97 नंबर चाहिए होता है। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हो, OBC हो गया, SC हो गया या ST हो गया, ठीक है, ST में, इसमें आपको 100 में से पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होता है। अगर आप कहते हैं दोस्तों कोई जनरल का बच्चा गलती से 96 नंबर ले आए तो वो बच्चा अयोग्य हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो बच्चा सिर्फ सुपर टेट में 100 में से 96 नंबर लाता है,
बाकी दोस्तों हम कहते हैं कि हाई स्कूल में 90 नंबर पाए हो, इंटर में दोस्तों 92% पा गया हो, ठीक है परसेंटेज की बात हो रही है, हाई स्कूल में 90%, 92%, ग्रेजुएशन में 80%, लेकिन दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ दोस्तों जब सरकार को अपना सुपर टेट ही देखना है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों ये सब बातें इसको आपको अभी से समझना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा ना वो दोस्तों सीरियसली बहुत ही बड़ा होने वाला है। लाखों छात्रों का करियर उस पर डिपेंड्स करता है। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 लाख से अधिक छात्रों ने पेपर दिया था, जिसमें दोस्तों 1,46,000 समथिंग बच्चे 90-97 कट ऑफ पर पास होते हैं। बाकी सोचिए 2.5 लाख से अधिक बच्चे दोस्तों उनका क्या हुआ, उनका रिजल्ट तो फेल में ही आया होगा ना। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि कैसे क्या क्या हो रहा है। देखिए डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि दोस्तों प्रमोट का मुद्दा, 2018 बैच के छात्र भी मामला कोर्ट तक लेकर गए, लाठियां चल जाती हैं, लाठियां बरस जाती है, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा जाता है, उसके बाद ही तो दोस्तों आपका धरना समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर आप ये सब छोटी छोटी बेसिक जानकारी जानते रहेंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में मतलब मामला कोर्ट में जा सकता है। अगर दोस्तों आप इसको भी जानेंगे ना कि यार पासिंग मार्क समय समय पर सरकार बदल सकती है, देखिए एक और दोस्तों इससे सबक आपको लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 90-97 नंबर, ठीक है 90-97 नंबर को दोस्तों बोला जाता 60 और 65% का कटा, ये दोस्तों परसेंटेज में ये नंबर में, तो समझिए कल अगर दोस्तों ऐसा कुछ हो जाता है तो दोस्तों जो आपकी नई शिक्षक भर्ती का फॉर्म आएगा 2021 में, ठीक है ना, इसको समझिए पहले न्यू, ठीक है शिक्षक भर्ती जिसका फॉर्म आएगा दोस्तों 2021 में आपका, इसमें दोस्तों आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इसकी पासिंग मार्क नंबर कितने होंगे, ठीक है आप दोस्तों बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि 2018 शिक्षक भर्ती का जो पासिंग मार्क था सोचिए 2 साल पहले आपसे, उसमें दोस्तों 90 और 97 नंबर रखा गया था। अब दोस्तों क्या होता है ना कि आजकल हर रोज एक नई शिक्षक भर्ती की दोस्तों बात की जाती है, तो सोचिए दोस्तों अगर आप जो नई शिक्षक भर्ती आएगी वो 2020 में तो आने से रही, तो अगर दोस्तों कोई नई वैकेंसी 2021 में निकलती है तो उसके लिए दोस्तों पासिंग मार्क क्या रखा जाएगा, आप इसका अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी ना तभी दोस्तों आप आगे चलकर आपको नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो दोस्तों सुपर टेट पास करना भी मतलब एक बड़ी मुसीबत आपके लिए बन सकती है, क्योंकि 150 में से, जी हाँ दोस्तों जब यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में आप बैठते हैं तो 82 और 90 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो हमारा सुपर टेट में क्या है आज के डेट में जो पासिंग मार्क था लास्ट वैकेंसी में वो 90 नंबर और 97 रखा गया, मतलब दोस्तों जो लोएस्ट नंबर था कम से कम जिन बच्चों को आरक्षण मिलता है उनको 90 नंबर और जो बच्चे सामान्य वर्ग से आते हैं उनको 97 नंबर। तो गाइस हर दिन दिन प्रतिदिन आपका जो कंपटीशन है ना वो मुश्किल होता जा रहा है, अगर आप हर रोज अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों उसके बाद एक और हमने आपके लिए कहा ना कि ये 2018 की दोस्तों पासिंग मार्क हम आपको बता रहे हैं 90 और 97 नंबर। अब नई भर्ती आएगी तो दोस्तों हो सकता है कि योग्यता का जो पैरामीटर है ना उसको भी बदला जा सकता है। देखिए सरकार बड़ी ही चालाक है, वैकेंसी को कैसे फंसाना है, मामला कोर्ट में कैसे ले जाना है दोस्तों सब ये एक्सपर्ट लोग जानते हैं। अगर दोस्तों इनके एक विशेषज्ञ होते हैं, आपको क्या लगता है जो 69,000 भर्ती का कट ऑफ ये सब आया होगा कोई एक्सपर्ट की कमेटी होगी ना। अब दोस्तों वो एक्सपर्ट कमेटी पेपर होने के ठीक एक दिन पहले या 1 घंटा पहले भी दोस्तों ये अनाउंस कर देते हैं ना कि जो पास होने के लिए 90-97 नंबर लाना जरूरी है, तो बच्चे उसी हिसाब से मेहनत कर जाते हैं। लेकिन गाइस इनकी चालाकी देखिए आप लोग कि पेपर होने के बाद ये घोषित करते हैं जिससे बच्चों में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। अब दोस्तों देखिए जैसे डीएलएड में क्या होता है, डीएलएड में अगर आप गणित का पेपर देते तो आपको पता है 25 में से 12 नंबर लाने, अगर दोस्तों कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा श्योर है जो 25 में से 15 नंबर कर लिया, अब वो सोचता छोड़ो यार अब क्या करें 15 नंबर पाकर हम पास हो जाएंगे, छोड़ो अब आगे पेपर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कल को दोस्तों डीएलएड में अचानक से 25 में से जो पासिंग मार्क है गणित को बढ़ाकर 20 नंबर कर दिया जाए तो क्या वो बच्चा 15 नंबर लाकर पास होगा, नहीं वो बच्चा फेल हो जाएगा। लेकिन इस बच्चे में योग्यता थी कि ये 15 से 25 नंबर तक पहुंच सकता था, लेकिन उसको पहले से क्या पता था, क्या सोचा होगा कि ठीक है हमारी पासिंग मार्क 12 नंबर होती, 3 नंबर हमने ज्यादा कर दिया है, कुछ नहीं तो 15 नंबर तो हमारे बन जाएंगे। ये सब दोस्तों बातें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों कैसे आपके साथ बेईमानी की जाती है ये बात आप समझेंगे तभी आपको आगे चलकर नौकरी मिल पाएगी। अब डीएलएड में भी दोस्तों आपने देखा काफी बच्चों ने दोस्तों परीक्षा लीक करा दिया, पेपर आउट हो जाता है, काफी बच्चे पेपर खरीद लेते हैं, पा जाते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं, और दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं दिन रात पढ़ते हैं लेकिन उनका जो रिजल्ट आता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है रिजल्ट और कुछ मिलता तो है नहीं।
तो गाइस अगर आप मेहनत करेंगे अच्छी वाली, तभी दोस्तों आगे चलकर आपको नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो फिर खाली मेहनत ही होती रहेगी। तो दोस्तों डीएलएड की जितनी भी अपडेट्स आएंगी ना, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, ठीक है। और दोस्तों कल सच में एक बहुत ही बड़ा दिन है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती कल 10:45 बजे सुबह चैम्बर से ऑर्डर सुनाया जाएगा। सभी वकीलों को नोटिस इशू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि 69,000 भर्ती में दोस्तों जो पैसा है ना, पानी की तरह बहा है। जी हाँ दोस्तों, लाखों लाखों के मतलब वकील हायर किए गए, कि दोस्तों जो इनकी सुनवाई, एक एक सुनवाई की फीस लाखों रुपये थी। आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों ने कितना मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया, कितना चंदा इकट्ठा किया। सभी बच्चे लग गए थे यार कि कैसे ना कैसे काम करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत पैसा खर्चा हुआ है 69,000 भर्ती में, जो कि आपके सामने। अब दोस्तों नकल माफियाओं के वजह से ही बच्चे मतलब परेशान होते, नहीं तो कोई परेशानी की कोई वजह नहीं होती है। नकल माफिया को क्या भैया, इनको तो अपने पैसों से मतलब है, पैसा मिल गया पेपर रद्द हो ना, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे क्या होता है 25 नवंबर को, लेकिन फिलहाल आपका पेपर 25 तारीख को हो रहा है। आप पूरी तैयारी के साथ पेपर में जाइएगा, ठीक है। अगर पेपर कैंसिल होगा, रद्द होगा, नहीं होगा, वो तो 25 को ही पता चलेगा कि पेपर लीक हो पाता है या नहीं होता है, और दोस्तों पेपर कितने कड़ाई से कराया जाता है। देखिए इस बार उम्मीद की जा रही है ना कि जो आपका पेपर होगा वो काफी सख्ती के साथ कराया जा सकता है, क्योंकि भाई पिछला पेपर अभी आपका रद्द हुआ है, तो कम से कम सरकार थोड़ी सी सजग होगी ना। अब प्रशासन व्यवस्था मतलब जो भी दोस्तों था पहले की तरह वो जीरो पर बने रहेंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ पेपर कैंसिल करने का। अगर दोस्तों धांधली ही होनी है परीक्षा में, सब कुछ वही होना है, तो फिर मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बाकी पेपर लीक होगा नहीं होगा वो तो आप तक पता ही चल जाएगा, पेपर वायरल होगा या नहीं सोशल मीडिया पर, सारी अपडेट्स आप तक पल पल की पहुंचते रहेंगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ पेपर के दिन तक, और जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलेंगी। फिलहाल देखिए बहुत ही जल्दी दोस्तों आप लोगों के लिए टीईटी की नई क्लासेस ऑनलाइन शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट या सी टेट की जितनी भी मतलब क्लासेस होंगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन मिलने वाली है। और दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगी वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करना है, और जो भी दोस्तों अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात हमने क्या बोला कि गाइस यहाँ पर सब कुछ सरकार के पास है पावर, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कल क्या होता है। देखिए कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने क्यों बोला आपको, क्योंकि दोस्तों अगर कल 60-65 की जीत हो गई तो इसका मतलब आप ये मानकर चलिएगा कि आने वाले समय में सरकार जैसे चाहेगी दोस्तों, वैसे और जिस समय ये चाहेंगे उस समय आपके लिए कट ऑफ निर्धारित करेंगे। जबकि दोस्तों रूल यही होना चाहिए कि पेपर से पहले आपको कम से कम इतना तो बता दिया जाए ना कि पासिंग मार्क आपके लिए कितना नंबर होगा। पासिंग मार्क आपको पता होगा तभी तो आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब देखिए बातें आपके सामने हमने रख दी, जो कि जरूरी बातें। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेन बात दोस्तों, अपडेट आपसे कोई छूटने वाली नहीं है, छोटी अपडेट हो बड़ी अपडेट हो, सारी अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मामला दोस्तों मैं आपको समझा दिया है कि मामला क्या था। और दोस्तों देखिए फिलहाल गणित परीक्षा की जो तारीख है 25 नवंबर वो फिलहाल रद्द होने की उम्मीद काफ़ी कम है। पेपर रद्द होगा कि नहीं वो भगवान भरोसे हैं, क्योंकि उस दिन दोस्तों देखा जाएगा कि जो शासन की व्यवस्था है ना, कि किस लेवल पर दोस्तों, किस स्तर पर दोस्तों आपके लिए मतलब प्रशासन की व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर फिर से वही मतलब पुराना खेल हो जाता है कि पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है या आपके मोबाइल फोन में पेपर होने से पहले पहुंच जाता है, तो फिर उस पेपर का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि अगर पेपर लीक हो तो उस पेपर को कैंसिल कर देना ही एक उचित विकल्प होता है, क्योंकि देखिए उससे नुकसान उन बच्चों का हो जाता है ना, जो बच्चे घर से मेहनत करके निकलते हैं, जिनको लगता है यार धांधली वांधली कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उन्हीं के साथ के दोस्तों हजारों बच्चे पेपर खरीद कर अच्छे नंबर ले आते और आगे चलकर वही बच्चे नौकरी पाते हैं। देखिए होता है क्या है ना, डीएलएड में नौकरी का प्रोसेस क्या है, नई भर्ती में नौकरी का प्रोसेस हमारा दोस्तों यही है ना कि आपके नंबर किसके ज्यादा है, नंबर देखा जाता है गाइस वहां पर, आपके मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास नंबर ज्यादा है, डीएलएड में एक अच्छा परसेंटेज रखते हैं 90%, इंटर हाई स्कूल हर जगह 90 90 90, और सुपर टेट में 150 में से 120 नंबर 130 नंबर ले आते हैं, तो किसी का बाप भी दोस्तों आपकी नौकरी रोक नहीं सकता, इसको आप समझिए। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं देखा जाता कि आपने धांधली किया कि क्या किया, यहाँ पर सिर्फ नंबर देखा जाता है। आपका रिजल्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, फर्जी रिजल्ट ना हो। अब ऐसा नहीं कि किसी और का दोस्तों नाम है, आप बदल कर अपना नाम लिख कर आ गए, वो चीज़ें देखिए गलत है, वो एक अलग चीज़ है। गलत तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें आज की डेट में नौकरी उन बच्चों को मिल जाती है, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो बच्चे घर बैठ जाते हैं।
तो भाई जिनका जुगाड़ है सब कुछ है वो बच्चे नौकरी करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे और भी जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड सभी सेमेस्टर की अपडेट्स हम आप तक लाएंगे। गणित परीक्षा की तैयारी में जुटे 2.5 लाख छात्र, सभी बच्चे दिन रात मेहनत करें दोस्तों। और आपको जितने भी गणित का मॉडल पेपर होगा वो कल से रेगुलर आपको मिलेगा। फिलहाल दोस्तों कल की अपडेट्स आप भूलिएगा मत, 18 नवंबर डेट याद रखना है। और दोस्तों अपडेट्स क्या होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा ऑर्डर, 4 लाख बच्चों का कैरियर इस पर डिपेंड करेगा। कितने लाख? 4 लाख। मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि, दिन हो रहा होता है हेवन।